जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस विशेष शो अवधनामा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कहानी चल रही है इतिहास की। आशा करता हूं कि ये देश दोनों काम कर रहा होगा, मजा भी ले रहा होगा, मैसेज भी ले रहा होगा। सिंपल टैगलाइन जहां से मैं इस शो की शुरुआत करता हूं वो यही है, पढ़ना है क्योंकि सीखना है, सीखना है क्योंकि समझदारी को विकसित करना है। और समझदारी विकसित करके क्या होगा? उन्नति, विकास, महानता। आज ऐसे ही कुछ लोगों की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। आज इस देश की सबसे बड़ी चुनौती है शिक्षित वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, समझदार वर्ग डिप्रेशन का शिकार, अवसाद, डिप्रेशन। युवा को तभी तो इस देश में एक और परंपरा शुरू हो गई, वृद्ध विवाह परंपरा। पहले कुप्रथा थी बाल विवाह, अब वृद्ध विवाह। बुजुर्गों की भी शादी हो रही है, उसकी मेन वजह क्या है? युवा डिप्रेशन में है। युवा मतलब क्रांति, युद्ध, और डिप्रेशन में नहीं आ सकता, संभव ही नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य एक सामान्य परिवार का व्यक्ति हिंदुस्तान भारत का सम्राट बन रहा है, भारत चक्रवर्ती। ये क्या है भैया चक्रवर्ती? हालांकि ऐतिहासिक तौर पर भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है अशोक को। चक्रवर्ती कौन? मिथुन चक्रवर्ती? नहीं 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 नहीं, चक्रवर्ती कॉन्सेप्ट है अर्थशास्त्र में कि जो भी राजा 1000 योजन पर शासन करेगा। योजन, योजन डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट थी। 1 योजन बराबर 7 किलोमीटर, तो 7000 किलोमीटर पर जिसका शासन होगा, यानी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर, उसको कहा जाएगा चक्रवर्ती। ऐतिहासिक रूप से जो पहला चक्रवर्ती सम्राट है भारतीय इतिहास का, वह है अशोक। अभी मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई? महाजनपद पैदा हुए, मैंने आपको बताया, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 16 महाजनपद, उसमें सबसे विशेष महाजनपद मगध। विशेष, विशेषता की वजह फर्टाइल प्लेन, गंगा यमुना द्वाब। दूसरा, लोहे की खदान। तीसरा, समझदार जनता। जनता का समझदार होना, परिवार, राष्ट्र किस पे चलता है? उस परिवार के लोगों से, उस राष्ट्र के लोगों से। समझदार जनता। और चौथा, सेना में एलिफेंट विंग का प्रयोग। 4 महत्वपूर्ण कारण रहे मगध के उत्थान के। अब डायनेस्टियां मगध में, हरियंक डायनेस्टी पहली इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, बिंबसार, अजात शत्रु, इन लोगों ने मगध के साम्राज्यवादी नीतियों का शुरुआत किया। मगध की साम्राज्यवादी नीति क्या की शुरुआत कौन कर रहा है? बिंबसार। कहां से? अंग से। और उस साम्राज्यवादी नीति का चरमोत्कर्ष, उसको पीक पर कौन पहुंचाता है? अशोक। किस कब्जे से? कलिंग। अंग से कलिंग, बिंबसार से अशोक। इस धारा ने भारत में एक साम्राज्य को जन्म दिया। पहला वंश हरियंक, जहां से मगध के साम्राज्यवादी नीति की शुरुआत होती है। दूसरा वंश शिशुनाग। तीसरा वंश, जिसका आमतौर पर सभी ने नाम सुना, नंद वंश। उसका प्रमुख शासक महापद्मनंद, उपाधि एकराट, एकमात्र राजा, महाक्षत्रांतक, क्षत्रियों का विनाश करने वाला।
लेकिन धनानंद शायद प्रशासन के मूलभूत सिद्धांत, हर चीज के सिद्धांत हैं, नियम हैं, लॉ हैं। अगर आप उस नियम को नहीं समझते तो आपका मिटना स्वाभाविक है। राजा, राजा के दो पिलर, एक उसका प्रशासन, उसके अधिकारी, और दूसरी प्रजा। राजा के दो मुख्य पिलर जिस पे वो टिका होता है, एक प्रशासन तंत्र, उसके अधिकारी, उसके मंत्री, और दूसरी प्रजा, जनता। और अगर दोनों पिलर हिल जाएं तो राजा खतरा में पड़ेगा, और वो भी राजा उसे उस समय हिलाए जब विदेशी आक्रमण का दौर हो, ईरानियों को रिप्लेस कर यूनानी भारत की तरफ बढ़ रहे हैं ग्रीक्स। और ऐसी ही पृष्ठभूमि में एक अति सामान्य व्यक्ति किसी भी परिवार से रहा हो, था तो भारतीय, मैं भारत और भारतीयों की गौरव गाथा गा रहा हूं, आपको भी नहीं मतलब होना चाहिए किसी के वर्ण से, किसी की जाति से, किसी के धर्म से। डॉक्टर देखते हो तो जाति पूछते हो, डॉक्टर से मिलने जाते हो तो धर्म पूछते हो, तब तो कहते हो डॉक्टर साहब बचा लीजिए डॉक्टर साहब। जब डॉक्टर ढूंढते हो बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, जब टीचर ढूंढते हो बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, तो राजनेता भी देखो बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, तभी तो भारत महान बनेगा, तभी तो भारत महान बनेगा। भाई तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे जात का डॉक्टर है लेकिन 5 ऑपरेशन किया है और 4.5 लोग मर चुके हैं, 5वां कोमा में है, दिखाओगे? नहीं दिखाओगे ना। तो वही पैमाना राष्ट्र नायक का भी रखो, राजनेता का भी रखो। भारतीय चुनेंगे जिसके अंदर महानतम लक्षण हो, तो चंद्रगुप्त मौर्य मेरे लिए भारतीय है। मैं उस विवाद में जाऊंगा ही नहीं, कौन सी जाति, कौन सा वर्ण, मेरे लिए व्यक्ति की महानता ही काफी है, मेरे लिए व्यक्ति की उपलब्धि ही काफी है। लेकिन ऐसा लगता है कि अति सामान्य, अति सामान्य वो जो वर्णन है इतिहास में कि चरवाहा, शेपर्ड, अति सामान्य। और चाणक्य प्रभावित हुआ उस बच्चे को देखकर। बड़ी प्यारी कहानी है, मैं आपको सुनाता हूं चंद्रगुप्त मौर्य की। कहते हैं कि चाणक्य के दो शिष्य थे, एक चंद्रगुप्त, एक कश्मीर के राजा का बेटा। दोनों को चाणक्य शिक्षा दे रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, और जब दोनों सत्ता पाने के योग्य हुए तो चाणक्य के मन में आया कि दोनों काबिल हैं, दोनों योग्य हैं, किसको बनाया जाए उत्तराधिकारी। परीक्षा तो लेनी ही थी कि सर्वोत्तम कौन, योग्य तो दोनों हैं, सर्वोत्तम कौन। तो सवाल यह उठा कि भैया परीक्षा ली जाएगी, तो पहले परीक्षा ली कश्मीर के राजा के बेटे की। चंद्रगुप्त के गले में एक माला पहनाई गले के नाप की, और एक दिन चंद्रगुप्त जब सो रहा था तो कश्मीर के राजा के बेटे को बुलाया और कहा, बेटा चंद्रगुप्त के गले से माला निकाल लाओ, शर्त सुन लो, ना माला टूटे ना लड़का जागे। वो कश्मीर के राजा का बेटा गया, 2 मिनट देखा, लौट के आ कहा, गुरुदेव या तो माला टूटेगी या लड़का जागेगा, और कोई रास्ता है नहीं। बोला, कोई बात नहीं बेटा, जाओ। 5-6 महीना बीता, फिर कश्मीर के राजा के बेटे को भी माला पहनाई गले के नाप की। आप कहोगे बार बार कश्मीर के राजा के बेटा, कश्मीर के राजा का बेटा बोल रहे हो, नाम भी बता दो, क्यों?
आरएनडी करने से डरते हो? सीखो ये जो आदत पड़ गई कि सब कुछ प्लेट में मिल जाए। अब जब मैं कह रहा हूं कश्मीर के राजा का बेटा, तो इस शो के बाद टाइप करो ना विकिपीडिया में कौन है, ढूंढो, कुछ मेहनत करो। ये दूसरी चीज सीखो मुझसे, आरएनडी करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मेरी बड़ी सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, मेरे बड़े सारे चाहने वाले, उस पूरी वीडियो में से एक बीच की क्लिप तोड़कर फिर पोर्ट्रे करते हैं, ये गाली दे रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। तो चाणक्य ने माला पहनाई, चंद्रगुप्त को बुलाया, कहा बेटा माला निकाल लाओ, शर्त एक ही है, ना माला टूटे ना लड़का जागे। चंद्रगुप्त गया, देखा, दो मिनट, तलवार उठाई, मारा, अगले की गर्दन उड़ गई, माला लेके चला आया। कहा गुरुजी यही एक रास्ता था। चाणक्य ने कहा शाबाश, उसमें एक ही कमी बची थी, भावुक था। नौकरी याचना से भी मिल सकती है, लेकिन महत्वाकांक्षा सिर्फ योग्यता से पूरी होती है। नौकरी याचना से भी मिल सकती है, याचना से, साहब बहुत गरीब है, साहब परेशान है साहब। नौकरी याचना से भी मिल सकती है, लेकिन महत्वाकांक्षा सिर्फ योग्यता से पूरी होगी। कोई पैरामीटर ही नहीं है, ही नहीं। तेंदुलकर साहब अपने बेटे को अपने जैसा क्रिकेटर नहीं बना पाए, और ना अमिताभ बच्चन साहब अपने बेटे को अपना जैसा कलाकार। महत्वाकांक्षा सिर्फ योग्यता से पूरी होती है। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य भारत की गद्दी पर बैठ रहा है, मगध की गद्दी पे। पहला योगदान, पहला अचीवमेंट, सर्व प्रमुख अचीवमेंट, सिकंदर के बाद, अलेक्जेंडर के बाद उसके प्रमुख उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर को हराना, 303 बीसी की संधि, सेल्यूकस निकेटर को हराया और काबुल, गजनी, कंधार, हेरात चारों मौर्य कब्जे में लिए। इससे क्या फायदा हुआ? इससे भारत का सीधा कनेक्शन हो गया किससे? सिल्क रूट से। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे बड़ी उपलब्धि, सेल्यूकस निकेटर को हराकर भारत की साइंटिफिक फ्रंटियर पर कब्जा, 303 बीसी की संधि। कौन से प्रांत लिए? काबुल, गजनी, कंधार, हेरात, हिंदुकुश की सीमा रेखा ले ली, और अब भारत का सीधा संपर्क सिल्क रूट से। अब जब भारत का सीधा संबंध सिल्क रूट से, तो क्या बढ़ेगा? व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा। ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? द्वितीय नगरी क्रांति बढ़ेगी। तीन सौ तीन बीसी की जो संधि है, उसने भारत को सीधा जोड़ा से रेशम मार्ग से, सिल्क रूट से। ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, समृद्धि बढ़ी, डिमांड बढ़ी, उत्पादन बढ़ा। ये चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे बड़ा देन है। चंद्रगुप्त मौर्य का एक और देन इतिहास में है। वो गद्दी में बैठा किसकी मदद से? ब्राह्मण की मदद से, चाणक्य। लेकिन जीवन के अंतिम समय में जब मौर्य साम्राज्य दुर्भिक्ष का शिकार है, देखिए एक जिम्मेदार शासक की भूमिका, मौर्य साम्राज्य दुर्भिक्ष का शिकार है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन छोड़ दिया। सिंहासन छोड़ा तो छोड़ा, जैन संतों के साथ सन्यासी होकर दक्षिण चले गए, और दक्षिण में उन्होंने एक जैन रीति का पालन किया, सल्लेखना।
आत्महत्या नहीं, बड़ी महान रीति है जैनों की, ये बहुत महान रीति, आत्महत्या नहीं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों को सुना कि सर संलेखना मतलब आत्महत्या, नहीं, ये जैनों की बहुत बड़ी नीति है, बहुत बड़ी धार्मिक नीति है संलेखना। संलेखना मतलब ध्यान, सिर्फ ध्यान, सिर्फ ध्यान, तब तक जब तक चैतन्य का दर्शन ना हो जाए और चैतन्य परम सत्ता से संपर्क लेकर इस शरीर को त्याग दे। तपस्या का उच्चतम स्वरूप है संलेखना। जैन पात का वर्णन किया, भारत का राजा यूनिटी इनटू डाइवर्सिटी का राजा है वो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का राजा है। बैठाया किसने? ब्राह्मण ने। मुक्ति की नीति किस धर्म से चुनी? जैन। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा बना बिंदुसार, द्वितीय नगरी क्रांति की धारा को और बढ़ाया, विदेशी संपर्क बढ़ाए, सीरिया के राजा से मित्रता की, इजिप्ट के राजा से मित्रता की, तृतीय नगरी क्रांति पैदा कब हुई? 6th century BC में, बढ़ कब रही है? मौर्य काल में। और फिर बिंदुसार के बाद मौर्यों में एक महानतम व्यक्तित्व का आगमन हुआ, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, अशोका द ग्रेट। अब गौर करिए, चाणक्य द ग्रेट नहीं कहते, विद्वान है, विद्वान है, जानकार है। आज भी लोग कहते हैं कि चाणक्य नीत पढ़ेंगे भैया। अशोका द ग्रेट, ये आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, हो सकता आया हो कि यार द ग्रेट क्यों लगता है, ये द ग्रेट कैसे बना जाता है? डॉक्टर तो बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, IAS बन जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, द ग्रेट कैसे बना जाता है? द ग्रेट बनने की एलिजिबिलिटी क्या है? उच्चतम स्तर की समझदारी। बड़ी अजीब बात है, एजुकेशन सेकेंडरी है, आप पढ़े हैं तो अच्छा है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आप पढ़े लिखे हैं तो अच्छा है, कबीर कम नहीं पढ़े लिखे हैं। द ग्रेट बनने का जो सिद्धांत है वह है हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, समझदारी, उच्चतम लेवल की समझदारी। ये सम्राट अशोक, समझदारी क्या? समझदारी का मतलब क्या? समझदारी का मतलब ये कि इंडिया विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों का देश है, अ लैंड ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन। तो चूंकि विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों का क्षेत्र है इसलिए डाइवर्सिटी है, ये मूल रीजन है, मेन रीजन है इंडिया की डाइवर्सिटी का, डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन, ये मेन रीजन है। कश्मीर का कल्चर अलग है, गुजरात का अलग है, यूपी बिहार का अलग है, असम का अलग है, नॉर्थ ईस्ट का अलग है, तमिलनाडु का अलग है, इन सबके पीछे रीजन क्या है? मेन ज्योग्राफी। लेकिन आर्थिक रूप से हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, उत्तर भारत का व्यापारी मसाला बेचेगा, मसाला आएगा कहां से? दक्षिण से, साउथ इंडिया।
इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस मेन रीजन है यूनिटी का, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी मेन रीजन है, ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस मेन रीजन है डाइवर्सिटी का। तो ज्योग्राफी मेन रीजन है डाइवर्सिटी की और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस मेन रीजन है यूनिटी की। अब ये बात आज आपको समझ में आती है क्योंकि आज भारत एक राष्ट्र है। प्राचीन भारत में तब तो राष्ट्र का सिद्धांत ही नहीं था, नेशनलिज्म कोई चीज ही नहीं थी, लेकिन उस व्यक्ति को यह बात समझ में आती है कि भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्षेत्र है, इसलिए महान है। उसको यह बात समझ में आती है कि द्वितीय नगरी क्रांति सेकेंड अर्बनाइजेशन का दौर है। राजा और व्यक्ति की महानता का एक फॉर्मूला है, सुन लीजिएगा। राजा और व्यक्ति की महानता एक फॉर्मूला है, P = P। ये क्या हुआ भाई, P = P का मतलब हुआ पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। नीति किस पे निर्भर करनी चाहिए, प्राथमिकता पे, और प्राथमिकता समझ में आनी चाहिए। आप में से हमारे बड़े सारे भाई बहन हैं जो जीवन में बड़ा चुनौती झेल रहे होंगे, बड़े परेशान होंगे, शायद आपने अपने जीवन की प्राथमिकताएं सेट नहीं की होंगी। आपको शादी भी करना है, गर्लफ्रेंड भी रखनी है, बॉयफ्रेंड भी रखना है, कार भी खरीदना है, बंगला बनाना है, स्विमिंग पूल में करना है, लास वेगास जाना है। अरे भैया, तो इन सबको करने के लिए मेन आवश्यकता क्या है, शक्ति। भोग किस पे डिपेंड है, शक्ति पे। जितने लोग बिना शक्ति अर्जित किए भोग की तरफ भाग रहे हैं वो संकट में है। ये भी न्यूटन का नियम है, क्योंकि भोग बिना शक्ति के संभव ही नहीं। जितने लोग बिना शक्ति के भोग की आकांक्षा करते हैं वो संकट में है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए शक्ति को अर्जित करना। शक्ति, हु इज गॉड, कौन है भगवान, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, यही तो डेफिनेशन है गॉड की, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, सर्वज्ञ। शक्ति मतलब भगवान। बिना शक्ति को प्राथमिकता बनाए अगर आप कोई काम कर रहे हैं बस यही पाप है। प्राथमिकता समझ में आनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति को प्राथमिकता नहीं समझ में आती उसका जीवन कष्ट में है, और जिस भी राजा को प्राथमिकता समझ में नहीं आती उसका राज्य संकट में है, और वो संकट में है। औरंगजेब पे चर्चा करूंगा। ये इसको पहली बात समझ में आती है कि भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है, सेकेंड अर्बनाइजेशन चल रही है, इकोनॉमी को प्रमोट करना है, जीडीपी पहुंचाना है उच्चतम स्तर पर। एक राजा के रूप में इसने चार प्रमुख कार्य किए, चारों को डिस्कस करूंगा, उसके बिना तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, तभी आपको पता चलेगा कि ये महान क्यों है। चाणक्य जो है वो एक सैद्धांतिक व्यक्ति है, सिद्धांत उनको पकड़ में आते हैं, लेकिन सिर्फ सिद्धांतों पर जीवन नहीं चलता। सिद्धांतों में जब व्यवहारिकता जोड़ दी जाती है, साइंस कहता है ना 100% वैक्यूम पॉसिबल ही नहीं है,
इसलिए जितना लोग सिर्फ सिद्धांत के बल पर जीवन चलाना चाहते हैं वो फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। सिद्धांतों में व्यवहारिकता का मिश्रण होना चाहिए। अब चाणक्य कहता है कि एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म, राजा को पूर्ण निरंकुश होना चाहिए, पूर्ण एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म, पूर्ण निरंकुश। क्यों? क्योंकि साम्राज्य चलाना है। अब देखिए, ऋग वैदिक काल में कबीला जन, उत्तर वैदिक काल में जनपद, 6th सेंचुरी बीसी में महाजनपद, मौर्य काल में साम्राज्य, काबुल से कर्नाटका, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट, इतना बड़ा क्षेत्र चलाना है, डाइवर्सिफाइड क्षेत्र, डाइवर्सिफाइड, राष्ट्रवाद की कोई भावना नहीं। आज इस देश में लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, आज बिहारी पंजाबी को देता है, पंजाबी बिहारी को देता है, उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीयों को देते हैं, दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीयों को देते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देते हैं, सब एक दूसरे को गाली दे, अब बिहारी, अब पंजाबी। इसीलिए राष्ट्र बना था। सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को वंदे मातरम और जनगण मन गाने से कुछ नहीं होगा। सैद्धांतिक रूप से सिर्फ कुछ नहीं होगा, व्यवहारिक। तो चाणक्य कहते हैं कि राजा को पूर्ण निरंकुश होना चाहिए, राजाज्ञा सर्वोपरि, रॉयल ऑर्डर इज अबव कस्टम, रिलीजन एंड ट्रेडिशन। साम्राज्य को चलाना है ना, तो रॉयल ऑर्डर्स, राजाज्ञा कस्टम से ऊपर है, ट्रेडिशन के ऊपर है और धर्म के ऊपर है। तो राजा कौन है? चाणक्य कहता है धर्म प्रवर्तक है, धर्म को भी बदल सकता है, धर्म यानी नियम। क्योंकि दो चीजों को चलाना है, एक इकोनॉमी को चलाना है, एक एम्पायर को चलाना है। डाइवर्सिफाइड मुल्क है, सब लड़ेंगे आपस में, भैया हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, भैया हम ये नहीं करेंगे, भैया हम जय श्री राम नहीं करेंगे, भैया हम रोजा नहीं रख सकते। तो राजा धर्म प्रवर्तक है, दो चीजों को चलाना है, एक इकोनॉमी, सेकेंड अर्बनाइजेशन, और एक साम्राज्य, एम्पायर। और राजा पूर्ण निरंकुश है, और निरंकुशता आ कहां से रही है, डेस्पोटिज्म आ कहां से रहा है, 6 लाख की सेना से, 6 लाख की सेना। जस्टिन कहता है चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल बृहत सेना। ग्रीक इतिहासकार कहते हैं कि 6 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद डाला। ऋग्वैदिक राजा निरंकुश नहीं है, स्थाई सेना नहीं है। तो चाणक्य कहते हैं कि राजा को पूर्ण निरंकुश होना चाहिए। अब देखिए अशोक क्या कहता है। अशोक कहता है नहीं, राजा को पितृ निरंकुशता का पालन करना चाहिए, पैटर्नल डिस्पोटिज्म। देखो सिद्धांत में व्यवहारिकता का जोड़, निरंकुशता खत्म नहीं हुई, उसमें एक शब्द जोड़ दिया, पितृ निरंकुशता, कि समस्त प्रजा मेरी संतान है और मैं प्रजा की सिर्फ इस लोक की चिंता नहीं करता, परलोक की भी चिंता करता हूं। यह है अप्लाइड थ्योरी ऑफ किंगशिप। राजा को निरंकुश होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। किसकी तरह? पिता की तरह, फादर की तरह, पितृ निरंकुशता। चाणक्य की के सिद्धांत को व्यवहार का रंग
आप किसी मंत्री के साथ बैठे हैं, नेता के साथ, आपने वो मूवी देखी होगी वेलकम, वेलकम में जब परेश रावल जो है जमीन पे बैठा होता है नाना पाटेकर के साथ और मजनू भाई आए होते हैं और मजनू भाई ने हफ्ता मांगा होता है नाना उससे परेश रावल से, डॉक्टर घुंगरू, तो नाना पाटेकर मनोज उससे कहता है, इससे अनिल कपूर से, मजनू भाई कहता क्या मजनू तुम इनसे फिरौती मांग रहे हो, तो कहता कि सरकार हमें नहीं मालूम था कि आपके जानने वाले, कहता जानने वाले दोस्त हैं हमारे, आप उस सीन को देखे जैसे कहता दोस्त हैं हमारे, परेश रावल का सीना ऐसे चौड़ा हो जाता है, भाव तो मजनू भाई कहता तब तो हमारे माई बाप हुए, राजा अगर किसी के कंधे पे हाथ रख के कह दे कि मेरा बेटा मेरा भाई, और राजा अगर प्रजा को कह रहा है कि प्रजा मेरी संतान है, भाव पैदा करना है, भाव समझ में आ रहा है उसको, समझ में आ रहा है उसको कि जनता को सिर्फ पीटना नहीं है, जनता को सिर्फ दबाव में नहीं रखना है, जनता से को भाव में भी रखना है, भाव के भूखे हैं भगवान। पहला बड़ा काम पैटर्नल डिस्पोटिज्म, पितरात्मक निरंकुशता, पिता के समान। तो अब उसने एक एम्पायर की जो चुनौती है, राजा का काम क्या है, चुनौतियों से निपटना। भारतीय उपमहाद्वीप यूनिटी इन डाइवर्सिटी का इलाका, साम्राज्य, उस साम्राज्य में प्रशासन की जो सर्वोच्चतम इकाई पर बैठा वो कहता है समस्त प्रजा मेरी संतान है, पहली चुनौती एम्पायर की चुनौती, उसको कैसे निपटा, जनता में भाव पैदा करके। जनता में भाव पैदा करके, भाव, कोई आदमी महान ऐसे ही नहीं बनता, आपने कभी पूछा ही नहीं होगा किसी से, हमारे देश में तो प्रश्न करने का परंपरा ही खत्म हो गई, हमारे देश में प्रश्न करने पर बहुत सारे टीचर नाराज हो जाते हैं, तुम मेरी नॉलेज चेक कर रहे हो, करने दो यार, हम कोई ओमनीसिएंट हैं, मैं तो क्लास में जाता हूं तो मैं कह देता हूं कि भैया सर्वज्ञाता नहीं है, तुम सवाल पूछो जितना पूछना है, नहीं जानते होंगे क्लास से माफी मांग लेंगे, माफी मांगना भी बड़प्पन का प्रतीक है। पहली चुनौती क्या है, साम्राज्य, साम्राज्य को किससे निपट रहा है, भाव से, पैटर्नल डेस्पोटिज्म। दूसरा कदम, जबरदस्त कदम, जबरदस्त, मतलब आजकल के नेता विधायक मंत्री प्रजा को अवेलेबल ही नहीं है, बहुसंख्यक, ये इस देश के हर राजा को संदेश है अशोक का, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अशोक की बात आप तक पहुंचा रहा हूं, वो कहता है कि राजा प्रजा का ऋणी है, भाई आप किसी से 10,000 रुपया कर्जा लिए वो रात में 2 बजे आ गया, भगा दोगे, मैं इस देश के हर राजा को यह सिद्धांत पहुंचाना चाहता हूं कि राजा प्रजा का ऋणी है, तो उसका एक अधिकारी है प्रतिवेदक, बेसिकली पीआरओ किस्म का ऑफिसर होता था, तो प्रतिवेदक से कहता है वो कि 24 आवर्स मैं कहीं भी हूं, मैं हरम में हूं, मैं सो रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, प्रजा से जुड़ा अगर कोई मुद्दा है तो मुझको तुरंत बताया जाए, क्या बात है, किंग इज इंडेप्टेड टू द पीपल, मेरी वो डेफिनेशन याद आ रही है, व्हाट इज हिस्ट्री, इट्स अ डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट टू हैव अ गुड फ्यूचर, इतिहास एक डायलॉग है, एक वार्तालाप है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में, जिससे भविष्य को अच्छा बनाया जा सके, राजा प्रजा का ऋणी है,
किंग इज इंडेप्टेड टू द पीपल। क्या बात है। तीसरी बात, पहला पैटर्नल डिस्पॉटिज्म, दूसरा राजा प्रजा का ऋणी है, और तीसरा मतलब इस बात पे तो सम्राट अशोक को तब का नोबल प्राइज मिलना चाहिए था। आज इस देश में हर आदमी लड़ रहा है, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, अपर कास्ट लोअर कास्ट सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से। सबको यही रहना है भैया, हम सब भाई हैं, भारत मां के बेटे हैं। ठीक है, सब मुल्क के सामने चुनौतियां हैं, और उस चुनौतियों के पीछे, उस समस्याओं के पीछे सिर्फ सरकारों का योगदान नहीं है, जनता का भी है। 70 के दशक में भारत की सरकार ने इस देश की जनता को अपील किया, हाथ जोड़ा, हम दो, हमारे दो, पर ये माने नहीं। कह अरे हमारे बच्चे थोड़े भगवान के बच्चे, आपका नाम भगवान है? अरे नहीं भैया, मतलब भगवान सिर्फ इसी देश में बच्चा पैदा करता, बाकी किसी देश में नहीं कर रहा है। सरकार ने अपील किया, रिक्वेस्ट किया इस देश की जनता से, हम दो हमारे दो। जब भी किसी परिवार में संकट आता है, राष्ट्र में संकट आता है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार जिम्मेदार है, प्रजा। और मैं हमेशा सरकार से ज्यादा, राजनेताओं से ज्यादा इस देश की जनता को जिम्मेदार मानता हूं। डॉक्टर खोजते हैं योग्य, टीचर खोजते हैं योग्य, राजनेता खोजते हैं अपनी जाति का, अपने धर्म का। अरे राजनेता अंबेडकर की तरह होना चाहिए कि बोलना शुरू करे, किसी की हिम्मत ना हो सवाल करने की। राम मनोहर लोहिया की तरह होना चाहिए, डॉक्टरेट इन इकोनॉमी फ्रॉम जर्मनी, सोते हैं कांग्रेस के ऑफिस में, पैसा ही नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री की तरह होना चाहिए, प्रधानमंत्री हैं भारत के, अपनी कार का किश्त नहीं दे सकते। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह होना चाहिए, प्रधानमंत्री रहे देश के, अपना घर ही नहीं है। प्रधानमंत्री रहे इस देश के, अपना घर ही नहीं है। तीसरी चुनौती उसके सामने है, डाइवर्सिटी, विभिन्नता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता। तीसरी चुनौती उसके सामने विभिन्नता। आज हिंदू मुसलमान ईसाइयों के बीच में मतभेद है, और तब बुद्धिस्ट, ब्राह्मण और जैन, परिवार में तनाव और राष्ट्र में तनाव दोनों के विनाश का कारण बनता है। तनाव विनाश का कारण है। परिवार में तनाव रहेगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा, राष्ट्र में तनाव रहेगा, राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। यह बात परिवार के मुखिया और राष्ट्र के मुखिया को समझनी चाहिए। अशोक समझ रहा है, अशोक समझ रहा है, और करता है धम्म की नीति का प्रतिपादन, पॉलिसी ऑफ धम्मा। और उस धम्म की नीति का सबसे प्रमुख अंग है सार वृद्धि। उससे लोग कहते हैं आप इस्लाम की बहुत तारीफ करते हैं, अरे भैया हिंदू धर्म की मेरी वीडियोस उठा के देखो, मैं धर्मों की तारीफ करता हूं। मैं जब इस्लाम पर बोलता हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे मुसलमान भाई इस मुल्क में जो हैं वो अपने गौरव की तरफ देखें कि वो क्यों परेशान हैं, समझें, अपने अतीत में जाएं, अपनी महानता को देखें। हमारे हिंदू भाई अपनी अतीत में जाएं, अपनी महानता को देखें,
सार वृद्धि। धम्म की नीति का सबसे प्रमुख तत्व है सार वृद्धि, और उस सार वृद्धि के अंदर अशोक कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सभी धर्मों की मूलभूत सिद्धांत को समझना चाहिए। वाह, इस्लाम का मूलभूत सिद्धांत क्या है? काफिर को मुसलमान बनाना। काफिर मतलब हिंदू, काफिर मतलब जो अपनी इंद्रियों पे जी रहा है, इंद्रियों पे, जो अफाक में गुम है वो काफिर है। अफाक मतलब संसार। धर्म का काम क्या है? दो ही काम था आधुनिक युग पूर्व में, एक संविधान का, एक मानव उत्थान का। आपने अपने आप को जन्म से ही मुसलमान समझ लिया। ब्राह्मण धर्म का काम क्या है? शूद्र को ब्राह्मण बनाना, निम्नतम से उच्चतम तक ले जाना। मूल सिद्धांत तो एक ही है, मूल सिद्धांत तो एक ही है सार वृद्धि। कहता प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक धर्म के मूल सिद्धांत को जानना चाहिए, और जब प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक धर्म के मूल सिद्धांत को जानेगा और जब देखेगा कि यार प्रत्येक धर्म का मूल सिद्धांत तो एक ही है, तनाव खत्म, भाईचारे में वृद्धि, देश का विकास, देश की समृद्धि। लेकिन यह एक वर्ग के मानने से नहीं होगा, सबको। ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू माने मुसलमान ना माने, ना, दोनों को, मुसलमानों को भी हिंदू धर्म के बेसिक सिद्धांत को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू सेक्युलर हो जाए, मुसलमान रिलीजियस बना रहे। रिलीजन आप अपने घर में फॉलो करिए, बाहर निकलिए, आप भारतीय बनिए। आप जिस भी धर्म के हैं उस धर्म का अक्षरशः पालन करिए घर में। जब आप बाहर निकले, जब आप दरवाजा खोलें, तो आप भारतीय हैं। फिर देखिए अगले 5 साल में यह देश कहां पहुंचता है। तीसरी चुनौती उसके सामने है डाइवर्सिटी, उसको कैसे निपटता है? धम्म की नीति से। चौथी चुनौती उसके सामने है फॉरेन पॉलिसी। विदेश नीति, हम भारतीयों का जो विदेश नीति का बेसिक सिद्धांत है वह है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। इसका क्या मतलब हुआ? हम लड़ना नहीं चाहते? अरे बिल्कुल नहीं, हम लड़ना जानते हैं। हमारी फौज दुनिया की महानतम फौजों में से एक है। और जब आप लड़ना जानकर अहिंसा की बात करते हैं तो उस अहिंसा में दम होता है। आप कमजोर होकर अहिंसा की बात करेंगे, वो अहिंसा भी नपुंसक होगी। किसी भी व्यक्ति को शक्ति रखकर अहिंसा की बात करनी चाहिए। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि भैया हमें मार दीजिए भैया, नहीं, बदतमीजी नहीं करोगे हमारे साथ। अशोक को देखो, कलिंग युद्ध के बाद कहता है कि यार मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब युद्ध करने को बचा कहां? पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर तो तुम्हारा कब्जा है, अब कौन से क्षेत्र? कहता अब मैं अहिंसा का वरण करता हूं, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब जरूरत भी नहीं है। तो उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के कबीलाओं ने विद्रोह किया, तो उसने मैसेज भेजा कि हथियार रखा हूं, छोड़ा नहीं हूं, बदतमीजी मत करना। उन लोगों ने भी कहा कि अंकल जी ऐसे ही कर रहे थे, सॉरी अंकल जी। शक्तिशाली होकर अहिंसा की बात करो। विदेश नीति, ये विदेश नीति जो हमारी है आदिम काल से, प्राचीन काल से, लिव एंड लेट लिव, उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि हमारे समृद्धि के दरवाजे हमारे पड़ोसियों के घर में खुलते हैं। उत्तर पश्चिम, ये जो हमारा नॉर्दर्न पथ है, उत्तरा पथ है, जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, जिसको आज हम NH1 NH2 कहते हैं, ये कहां खुलता है? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। वहां से कहां जाएगा? सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया से कहां जाएगा? वेस्ट एशिया में। दूसरा दरवाजा कहां खुलता है? इंडो चाइना में।
तीसरा दरवाजा कहां खुलता है? श्रीलंका में। तो जब आपकी समृद्धि के दरवाजे आपके पड़ोसियों के घर में खुलते हैं तो लड़ाई करने की जरूरत ही क्या है? दोस्ती बना के रखो और शक्ति बना के रखो कि अगर किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है। तो पहली बार किसी भारत के राष्ट्राध्यक्ष ने, राजा ने, एक बड़ी व्यवहारिक विदेश नीति का पालन किया। व्यवहारिक धम्म घोष, धम्म का प्रचार, कल्चरल इन्वेजन, सांस्कृतिक आक्रमण। अपने बेटा और बेटी महेंद्र और संगमित्रा को कहां भेजा? श्रीलंका। क्या करके? बौद्ध धर्म का पैगाम लेकर। इसको बोलते हैं राजा, इसको बोलते हैं महानता। देखिए, अशोक महान। महान कौन? जिसकी समझदारी उच्चतम स्तर पर हो। पहली चुनौती क्या है? साम्राज्य। साम्राज्य, साम्राज्य को सिर्फ भय पे नहीं बांधा जाना चाहिए, साम्राज्य को भाव से भी बांधा जाना चाहिए। क्या सॉल्यूशन है? चैलेंज है साम्राज्य। किसके बल पे बांधना चाहिए? भय। अशोक कहता भाव भी, भय के साथ भाव। पितृ निरंकुशता। साम्राज्य का मुखिया कौन? राजा। प्रजा से जुड़ा कोई भी मुद्दा होगा 24 घंटे उस मुद्दे को सुनने को तैयार है। तीसरी चुनौती है विभिन्नता। क्या सोल्यूशन है? धम्म। चौथी चुनौती है फॉरेन पॉलिसी। क्या सोल्यूशन है? सांस्कृतिक विस्तार। अब जिस व्यक्ति को प्राचीन काल में यह कला आती रही हो, सिद्धांत में व्यवहारिकता का समिश्रण, उसको आप महान नहीं कहोगे? सोच कर देखो, आप सारे बिंदुओं को कनेक्ट करके देखो और अशोक से आपको प्यार हो जाएगा। अवधनामा के इस सीरीज का आज यहीं पर अंत होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। जय हिंद।